आज आपको एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा तत्व बताएंगे कि जिससे आप असल और नकल की पहचान कर पाओगे, कौन असली इंसान है और कौन नकली इंसान है इसकी पहचान कर पाओगे। मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, कोलकाता से। जाड़ों के दिन होते हैं और खुले बगीचे में राजा राज दरबार लगाते हैं। वहाँ पे दीवान, मंत्री, शांत्री, प्रजा सभी बैठी होती है। तभी एक ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, मुझे राजे से मिलना है। ये बात राजा तक पहुँचाई जाती है कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। राजा की सम्मति मिलने के बाद उस ब्राह्मण को राजा के सामने पेश किया जाता है। ब्राह्मण राजा से कहता है, मेरे पास दो हीरे हैं, एक असली और एक नकली। अगर आप या आपके राज्य में कोई भी बता देगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, तो असली वाला आपकी तिजोरी में चला जाएगा, आपके राज दरबार का हिस्सा हो जाएगा। और अगर नहीं बता पाया तो एक हीरे के वजन का हीरा मुझे देना पड़ेगा। मैं बहुत से राज्यों से आ रहा हूँ और ऐसे ही जीतता आ रहा हूँ। कोई भी इंसान उन राज्यों में ये बता नहीं सका कि असली हीरा कौन सा है और उनमें से नकली हीरा कौन सा है। अब वो तो राजा होते हैं, चैलेंज ले लेते हैं, कहते हैं हाँ तैयार हूँ। अब ब्राह्मण दो बड़े बड़े हीरे टेबल के ऊपर रखता है और कहता है, इसमें से बताना पड़ेगा असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। दोनों बिल्कुल एक तरह, एक साइज, एक कटिंग, कुछ पता नहीं चल रहा होता है। दीवान आते हैं, मंत्री आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, सब आते हैं, लेकिन देख के कोई नहीं बता सकता कि हीरा असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अब राजा की हार निश्चित हो जाती है। कोई कोई सोचता है कि मैं कोशिश करूं, लेकिन फिर सोचता है अगर ना बता पाया तो राजा का रोष झेलना पड़ेगा, इसलिए बाकी सब चुपचाप बैठ जाते हैं। अब राजा कहता है, आप में से कोई और हिम्मत करेगा? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी एक अंधा ब्राह्मण उठ के आता है और कहता है, राजा मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। सब उस अंधे ब्राह्मण के तरफ देख के मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं कि इतने लोगों में कोई नहीं बता पाया जिनकी आँखें हैं और ये बिन आँखें, इसे दिखता नहीं है और ये कह रहा है मैं बता लूँगा। लेकिन राजा सोचते हैं, हारना तो तय है, क्यों ना एक बार इसे भी चांस दे दिया जाए। तो राजा उसके हाथ में दोनों हीरे दे देते हैं। सेकंड में वो बता देता है असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। पूरे राज्य में जश्न मनने लगता है। असली हीरे को तिजोरी में डालने की तैयारी शुरू होने लगती है। लेकिन राजा उस अंधे ब्राह्मण से पूछता है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने असली और नकली की पहचान कैसे की? अंधे ब्राह्मण ने कहा, हम सब धूप में बैठे हैं,
मैंने दोनों हीरों को हाथों में लिया और छुआ। जो गर्म था वो कांच था, जो ठंडा था वो हीरा था। हीरा कभी भी धूप में गर्म नहीं होता, कांच धूप में गर्म होता है। बस इतनी सी बात है। हाँ दोस्तों, हम में से बहुत लोग हैं जो कुछ इधर से उधर होते ही हम में गर्मी आ जाती है, हम गर्म हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। और कुछ लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी कूल ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, और वही हीरे हैं। जीत उनकी ही किस्मत में लिखी हुई है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कूल रखना जानते हैं या आपको इस बारे में टिप्स चाहिए, तो मैं आगे और एक वीडियो बनाऊंगी। अभी इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल बटन को भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।